यदि सरकार गंभीर होती तो जो असली अपराधी तक पकड़े जाते। आप न्याय नहीं देना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए, ये मालूम पड़ जाए कि इसके पीछे हाथ किसका है। तमिलनाडु के बीएसपी प्रेसिडेंट के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के बाद चेन्नई पहुंची बीएसपी सुप्रीमो मायावती बेहद गुस्से में नजर आई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तमिलनाडु प्रेसिडेंट के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या को लेकर डीएमके सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए अब तक असली अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है, यहाँ के मुख्यमंत्री से खासतौर से, कि उनको लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से शाम के वक्त आकर इनकी हत्या की गई तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अब तक यदि सरकार गंभीर होती तो जो असली अपराधी अब तक पकड़े जाते। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कहना है कि सरकार इस केस को लेकर गंभीर नहीं है क्योंकि असली अपराधी अभी भी सलाखों के बाहर घूम रहे हैं। मायावती ने आगे कहा, चूंकि असली अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, इसलिए हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वो सीबीआई जांच की सिफारिश करे ताकि असली अपराधी पकड़े जा सके। लेकिन असली अपराधी अभी तक नहीं पकड़े हैं, इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से ये चाहेंगे कि आप हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं वो नहीं हमारे बीच में रहे, तो आप न्याय नहीं देना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए ताकि जो असली अपराधी हैं तो उनका असली चेहरा सामने आ जाए, ये मालूम पड़ जाए कि इसके पीछे हाथ किसका है। मायावती बीएसपी स्टेट प्रेसिडेंट के हत्यारों को बेनकाब करना चाहती हैं, वो कातिलों का पता करना चाहती हैं और हत्या की असली वजह जानना चाहती हैं, इसलिए के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या की सीबीआई जांच चाहती है। क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो का कहना है कि ये किसी एक दलित नेता की हत्या का मामला नहीं है, बल्कि पूरा दलित समुदाय खतरे में है और कई दलित नेता डरे हुए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती रविवार को सुबह अपने उत्तराधिकारी और बीएसपी के नेशनल कन्वीनर आकाश आनंद के साथ चेन्नई पहुंची थी, जहां उन्होंने आर्मस्ट्रॉन्ग को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि 5 जुलाई को के आर्मस्ट्रॉन्ग पेरम्बूर में अपने आवास के पास समर्थकों के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी 6 बाइक सवार लोगों ने उन पर छुरी और दराती से हमला कर दिया। 4 हमलावर फूड डिलीवरी एजेंट के वेश में थे। हमले के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग को शहर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में अब तक 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।